सबको जयसु। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, प्रभु आप सबों को आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। बैन फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री की तरफ से हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप प्रभु की स्तुति और आराधना हमारे साथ मिलकर करें। जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा गाते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं, उस समय हमारे जीवन में आशीषें उतरती हैं। इसलिए हम सुंदर गीत गाते हैं ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। तो स्तुति आराधना एक ऐसा माध्यम है जहां पर हमारी आत्माएं परमेश्वर से कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं और हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारी आत्माओं में यीशु आ जाते हैं, हमारे दिल में यीशु आ जाते हैं, हमारे जीवन में यीशु आ जाते हैं, हमारे घर में यीशु आ जाते हैं, जहां हम रहते हैं वहां पर यीशु आ जाते हैं, तो वहां के हालात बदल जाते हैं। आपने कई सारी गवाहियां सुनी होगी, कई सारे व्यक्तियों के उदाहरण आपको मिले होंगे जिनका जीवन यीशु के आने से पहले कितना खराब था, हालात कितने बदतर थे, लेकिन जब यीशु उनके दिल में आ गए, यीशु को उन्होंने अपना लिया तो हालात बदल गए। हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन विश्वास करो आज आपके साथ ऐसा होगा। जब आप विश्वास के साथ यीशु को अपने हृदय में बुलाते हैं, सच्चे हृदय से, तो वो आते हैं। यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, और जिसने कहा है कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, वो अपने वादे से मुकर नहीं सकते, झूठा नहीं हो सकता। इसलिए हमें यीशु को बुलाना चाहिए, अपने जीवन में, अपने परिवारों में यीशु को बुलाना चाहिए। आप देखिए काना के विवाह में यीशु वहां पर थे, और जब उनकी अंगूरी खत्म हुई, उन्होंने तुरंत, माता मरियम ने यीशु से कहा और वहां पर एक चमत्कार हुआ। सोचिए अगर काना की उस विवाह में यीशु नहीं होते तो उनकी क्या हालत होती, लेकिन यीशु थे, हालत बदल गई। जैरूस की बेटी का उदाहरण लीजिए, उसकी बेटी मर गई थी, गांव में सब रो रहे थे, उनके घर पर इकट्ठा हुए थे, बांसुरी बजाने वाले बांसुरी बजा रहे थे, लोग मातम में थे, दुख का माहौल था, लेकिन यीशु आए, हाथ लड़की का पकड़ा, उन्होंने कहा तालिता कुम्भ, अर्थात वो लड़की मैं तुमसे कहता हूं उठो, लड़की उठ गई, जिंदा हो गई, हालात बदल गए। वही मातम का हालात, वही दुख का हालात खुशियों में परिवर्तित हो गया। लाजरुस की कब्र का उदाहरण लीजिए, लाजरुस 4 दिन से मर गए थे, यीशु वहां पर आए, वही मार्था मरियम जो रो रही थी, लोग उन्हें सांत्वना देने के लिए आए थे, जब यीशु उस कब्र पर गया, यीशु ने आवाज दी, लाजरुस बाहर निकल आओ, लाजरुस जिंदा हो गया, हालात बदल गए। ठीक इसी तरह जब यीशु हमारे जीवन में आ जाते हैं, यीशु जबरदस्ती नहीं आएंगे, जब तक आप बुलाएंगे नहीं तब तक यीशु नहीं आएंगे, क्योंकि यीशु हमें जानते हैं, हमें पर्सनली जानते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन को जानते हैं, और वो जो हमारी जिंदगी में करना चाहते हैं वो भी वो जानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं रब दिया रब ही जाने, मैं अपने दिल की जानू, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। कैसे? यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। इस गीत को हम एक साथ मिलकर गाएंगे और प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, एक साथ मिलकर खुशी के साथ। हालात बदल जाते हैं गाए, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से।
जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तेरे आने से एक साथ कर लाएंगे। हालात बदल जाते हैं। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ। सूली की राहों पे गम से न ढाल हुआ, सूली की राहों यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते एक साथ। हालात बदल जाते हैं। जैरुस की बेटी को तूने जिंदा किया, जैरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, जैरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, जैरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, हालेलुया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं। यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तेरे आने से
हालेलुया 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 मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद यीशु की आराधना हो यीशु की आराधना हालेलुया 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 हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु तूने कहा है तूने कहा है तुम्हारा जी घबराए नहीं तुम्हारा जी घबराए नहीं ईश्वर में विश्वास करो ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो हालेलुया 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 हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु तूने कहा है तूने कहा है जो मेरे पास आता है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा हालेलुया 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 हम तेरे पास आए हैं हम तेरे पास आए हम पर दया कीजिए हम पर दया कीजिए हम पर तरस खाइए हम पर तरस खाइए हमारे हालातों को बदलिए हमारे हालातों को बदलिए बोलिए हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद यीशु की आराधना हो यीशु की आराधना हालेलुया 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 अपनी आंखें बंद रखें प्रार्थना में लीन रहें हाथों को खुला रखें प्रभु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए अलाउ हिम टू डू प्रभु आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं प्रभु आपके हालातों को बदलना चाहते हैं yes. लेकिन हम उसे अनुमति नहीं देते करने नहीं देते हम अपनी इच्छाओं पर चलना चाहते हैं हम अपने से करना चाहते हैं मेरे भाई मेरी बहन एक बार प्रभु को मौका दीजिए रक्तस्राव स्त्री ने सब कुछ खत्म कर लिया सब कुछ बेच डाला सारे डॉक्टर्स को उसने जगह जगह जाकर दवाइयां खा के उसने चेक कर लिया कोई फायदा नहीं हुआ आखिर में उसने यीशु को मौका दिया जब यीशु उसके जीवन में आया उसने उसका कपड़ा छुआ चंगी हो गई यीशु को मौका दीजिए कुछ करने को 38 साल से वो रोगी उस कुंड के पास पड़ा हुआ था 38 साल से यीशु ने एक मौका चाहा और वो चंगा हो गया एक मौका दीजिए अपनी आंखें बंद रखें प्रार्थना करें यीशु मेरे जीवन में आइए लॉर्ड कम इन टू माई हार्ट अपनी आंखें बंद रखें हाथों को खुला रखें आपके हालातों को बदलने के लिए प्रभु यीशु इस समय आपके करीब आए हैं आपके परिवारों के हालातों को बदलने के लिए प्रभु यीशु इस समय आपके करीब आए हैं प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए रक्तस्राव स्त्री ने प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने दिया जैरूस ने अपने घर में प्रभु को कार्य करने दिया काना के उस परिवार ने प्रभु को अपने घर में कार्य करने दिया प्रभु को अपने जीवन और परिवार में इस समय कार्य करने दीजिए आपके हालात चाहे कैसे भी हैं उन हालातों को इस समय प्रभु के हाथों में समर्पित करें चाहे आपकी जिंदगी कैसी भी है उस जिंदगी को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए प्रभु आपके भाग्य को पलट देंगे आपकी जिंदगी को पलटेंगे आपके परिवार के हालातों को बदलेंगे बस प्रभु को कार्य करने दीजिए प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं जकेयुस के परिवार में प्रभु गया और वहां के हालात को बदल दिए इस समय प्रभु को अपने जीवन और परिवार में आमंत्रित करें प्रभु आपके करीब है वो आपके घर में आपके दिल के करीब है स्वागत करें उनका विनम्र बनिए नम्र बनिए उनके सामने नम्र और पश्चातापी लोगों पर प्रभु दया करता है प्रभु से कहिए प्रभु मैं खाली हूं मैं तेरे सामने अपने आप को समर्पित करता हूं आइए यीशु आइए मेरे जीवन में आइए तेरे पवित्र लहू से मुझे धोइए यीशु मेरे परिवार को धोइए मेरे पति मेरी पत्नी को धोइए मेरे बच्चों को धोइए मेरे परिवार की हालत को बदलिए मेरे जीवन की हालत को बदलिए मेरे बच्चे की हालत को बदलिए प्रार्थना करें यीशु के लहू के द्वारा धुल जाइए इस समय यीशु का लहू आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है यीशु का लहू हर पाप को मिटा देता है यीशु का लहू हर बंधन को खोल देता है प्रार्थना करें तेरा लहू तेरा
तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, कही है तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, धोता है तेरा लहू, जीवन देता है तेरा लहू, एक साथ तेरा लहू, तेरा लहू, गाए तेरा लहू, तेरा लहू, पापों के बंधन तोड़ता है तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु का लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, भूल जाइए तेरा लहू, तेरा लहू, और एक बार तेरा लहू, वासना के बंधन तोड़ता है तेरा लहू, गुस्से के बंधन तोड़ता है तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु का लहू आपके जीवन में कार्य करे, तेरा लहू, तेरा आपके परिवार में कार्य करे, तेरा लहू, तेरा आपके बच्चों में लहू कार्य करे, तेरा लहू, नशे के बंधन तोड़ता है तेरा लहू, झगड़े के बंधन तोड़ता लहू, जीवन देता है तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, प्रार्थना में, प्रार्थना में तेरा लहू, तेरा लहू, बार बार यीशु का लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु का लहू बरसे, तेरा लहू, तेरा लहू, शुद्ध और पवित्र करे, तेरा लहू, बीमारों को चंगा करे, तेरा लहू, तेरा लहू, पापों को क्षमा करे, तेरा लहू, तेरा लहू, मुर्दों में जीवन भरे, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु का लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, बार बार, बार बार गाएं, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु का लहू गाएं, हालेलुया 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 हालेलुया, मुंह खोलकर स्तुति करते जाइए, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ इस समय यीशु के पवित्र लहू के द्वारा इस समय सब लोग धुल जाएं, आपके जीवन और परिवार इस समय धुल जाएं, निसंतानों के गर्भ इस समय यीशु के लहू के द्वारा धुल जाएं, जो बुरी आदतों में फंसे हैं यीशु के लहू के द्वारा उन्हें छुटकारा मिलने पाए,
युवा साथियों को, नौजवानों को इस समय यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा मिलने पाए। जो लोग बांझ हैं यीशु के नाम पर, उनके बांझपन यीशु के लहू के द्वारा खुल जाएं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग बंधनों में हैं, नशे के बंधन में, वासना के बंधन में और अन्य प्रकार के बंधनों में, शैतान की गुलामी में सही रास्ते पर चलते नहीं हैं, यीशु के लहू के द्वारा इस समय धुल जाएं, उनके जीवन से हर बंधन धुल जाए, खुल जाए यीशु के नाम पर, वे आज़ाद हो जाएं। हे प्रभु, तूने कहा है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हमारे इन भाई बहनों को स्वतंत्र कर। हमें जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ कहीं से भी हमें देख रहे हैं, इस समय आप इनके जीवन में कार्य करें, इनके परिवारों में कार्य कीजिए, इनकी जिंदगियों को पलटिए, हालातों को बदलने वाले प्रभु, इस समय इनके हालातों को बदलिए। धन्यवाद यीशु, हम विश्वास करते हैं तू ये कर रहा है, हम विश्वास करते हैं आप अपने लहू के द्वारा सबको धो रहे हैं, हम विश्वास करते हैं आप परिवारों में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तूने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया और वो तुम्हें दिया जाएगा। हम विश्वास करते हैं हमने जो मांगा हमें मिला, हम विश्वास करते हैं हमने परिवारों के लिए मांगा अपने परिवारों में कार्य किया। धन्यवाद यीशु। इन सारी प्रार्थनाओं को यीशु को नाम पर मांगते हुए हम बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। प्रभु का अनुग्रह आप सबों के साथ रहे, इसी तरह प्रभु के प्रार्थना में, आराधना में, गीतों भजनों में जुड़े रहें और प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने दें। जय यीशु।